नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौधरी आज फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय से संबंधित है, नेशनल इनकम। और ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, ये ना केवल आरपीएससी के एग्ज़ाम में बल्कि किसी भी स्टेट के लिए, यूपीएससी के लिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ, क्लर्क, हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। और आज मैं जो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड, जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, तो सारे बेसिक कंसेप्ट आपके सामने रखूँगा। और चूंकि अभी आरपीएससी का सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, तो उनके लिए भी, उनको ध्यान में रखते हुए भी ये वीडियो बनाया गया है। तो इसमें मैंने सारे मेन टॉपिक हैं, जो मेन पॉइंट हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किए हैं। और कभी डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में कभी एक डेढ़ घंटे का वीडियो और बनाएंगे, जिसमें अलग से एक एक चीज़ को विस्तारित रूप से व्याख्यात किया जाएगा। लेकिन आज जो है, हम बिल्कुल एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बेसिक कंसेप्ट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है राष्ट्रीय आय की। ये किसी भी राष्ट्र की आय से रिलेटेड चीज़ है। ये आप समझते हैं राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है, किसी भी नेशन की इनकम जो भी है। उसके बाद में राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसके पश्चात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1951 में यह स्थापित किया गया था। तो इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। ये कम से कम सैकड़ों बार क्वेश्चन पूछा होगा, और एक वीडियो में आपके सामने और बनाऊंगा, जिसमें जो पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली उनका वीडियो होगा वो इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, रा से स्टार्टिंग में रा है और यहाँ है सी, तो आप राशि याद कर लीजिए। राष्ट्रीय आय से याद आते ही, नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए राशि। रा से राष्ट्रीय आय और सी से CSO। इसके बाद में बात आती है कि इसके बारे में सर्वप्रथम जो प्रयास है राष्ट्रीय आय का, किसने बताया था। तो देखिए, सर्वप्रथम जो इसके बारे में प्रयास है वो दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और दादाभाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक के अंदर उन्होंने 1868 में यह बताया था कि इस समय 20 रुपये जो है वो प्रति व्यक्ति की आय है। तो ये आप एक पॉइंट ध्यान में रखिए कि सर्वप्रथम प्रयास दादाभाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और एक धन निकासी का सिद्धांत है, वो भी इन्होंने ही दिया था कि जो अंग्रेज हैं वो किस तरह से हमारे भारत से बाहर धन निकाल रहे हैं, हमारे भारत का। और बुक का नाम ध्यान में रखना है आपको, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई थी इन्होंने उस समय। अब देखिए, इसके आगे हमें राष्ट्रीय आय के बारे में अगर अध्ययन करना है तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं, उससे पहले हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी कि वो है क्या। सबसे पहला नाम आता है GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में इसे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद आता है NDP, GNP, NNP। NDP को कहा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध, या एक हिंदी का और वर्ड है इसके लिए, वो है निवल, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके अतिरिक्त GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसके पश्चात है NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, वही शुद्ध या निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये चारों क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं GDP के बारे में। तो इसके बाद में हम बात करते हैं GDP के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए, GDP के अंतर्गत क्या आता है, इसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो एक साल का है इसे हम कहते हैं वित्तीय वर्ष। इस एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, वस्तु से आप समझ गए कि वस्तु क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप बाज़ार से 1 किलो शुगर खरीद के लाए, 1 किलो चीनी लाए, वो वस्तु में आएगा। और सेवाएं, सेवा से मतलब होता है सर्विस से, जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी, आप बस में बैठे दूसरी जगह जाने के लिए, तो बस वाले ने आपसे 20 रुपये लिए,
और उसके बदले आपको उसने क्या दिया, उसके बदले आपको मिली सेवा कि आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, तो आपने उसकी सेवा का प्रयोग किया। तो ये सब सेवाओं में आती हैं। इन सब का जो कुल मूल्य और कहाँ का भौगोलिक सीमा में, मेन चीज़ जो है ये आपको ध्यान में रखना है। भौगोलिक सीमा से मतलब है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, भारत की ये जो बाउंड्री है इसकी सारी, और जो 12 नॉटिकल मील तक, जैसे समुद्री मील का हिस्सा भी माना जाता है, और इस देश की बाउंड्री, ये जो इस देश की भौगोलिक सीमा है, सारी टोटल बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सेवा दी जा रही है, चाहे वो किसी के द्वारा भी हो, चाहे वो कोई इंडियन हो, चाहे वो भारत का हो, या फिर कोई विदेशी व्यक्ति हो, विदेशी कंपनी हो, जैसे मैकडी है, मैकडोनाल्ड है, कोका कोला है, और भी जैसे कई कंपनीज आती है अमेरिका की, ब्रिटेन की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ का भारतीय है या वो विदेशी है, कोई बाहर की कंपनी है, कोई अंदर की कंपनी है। मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि ये जो देश की बाउंड्री है, ये टोटल बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सब जीडीपी के अंदर इंक्लूड होगा। तो मेन चीज़ यही है कि इस देश की बाउंड्री के अंदर, इसकी भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो कोई भारतीय के द्वारा हो या विदेशी के द्वारा हो, वो सब जीडीपी के अंतर्गत इंक्लूड होता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और कब, एक वित्तीय वर्ष के बारे में। अब देखिए, उसके पश्चात आपको एक वर्ड ध्यान में रखना है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है मूल्य ह्रास। देखिए, मूल्य ह्रास क्या है, ये वर्ड आपके बार बार आएगा। मूल्य ह्रास से मतलब डेप्रिसिएशन ये होता है कि जैसे कोई भी मशीनरी है, जिस दिन आप उसको लेकर के आए थे बिल्कुल न्यू, और उसके पश्चात उस मशीनरी में जो घिसावट है, वो जो मशीनरी के जो तंतु हैं, जो भी उसमें लगे हुए हैं सारा सामान, उनमें अब घिसावट आ चुकी है। जैसे मान लीजिए आप मशीनरी सपोज कीजिए, जैसे कि ये कोई एसी है, आप जिस दिन एसी लाए थे और आज एक साल बाद में अगर इस एसी की कीमत निकालें, तो जैसे मान लीजिए आप 50,000 का एसी लाए, तो आज इसकी कीमत रह जाएगी 20,000। क्यों? क्योंकि इसकी जो मशीनरी है, इसमें जो भी सामान प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो अब घिस चुका है। तो इसको कहा जाता है मूल्य ह्रास। जैसे मान लीजिए बाइक है, तो बाइक अगर आपने 6 महीने पहले खरीदी है और आज उस बाइक का मूल्य है, तो उसमें अंतर आ जाएगा बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब उसमें चीज़ें पुरानी हो चुकी है, उसको कहा जाता है घिसावट। जैसे उसके टायर हैं, इंजन है, और ब्रेक है, हर चीज़ में घिसावट आ चुकी है, इसे कहा जाता है मूल्य ह्रास। मशीनरी की जो घिसावट है, तो ये तो मैंने आपको छोटे एग्जांपल दिए हैं। इसके अलावा जैसे बड़े बड़े जो मशीनरीज होती है, जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटिंग प्रेस है, इसके अलावा और भी बड़े बड़े उद्योगों के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उनमें जो समय के साथ घिसावट होती है, उसको कहा जाता है मूल्य ह्रास। अब देखिए, मैं इस जीडीपी में से, यानी एक देश की भौगोलिक सीमा में, एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है, उसमें से मैं मशीनरी की घिसावट अगर घटा दूं, यानी देख लीजिए जैसे जीडीपी है, अगर मैं जीडीपी में से मूल्य ह्रास अगर इसको माइनस कर दूं, तो इससे बचेगा एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था पहले। तो नेट अगर शुद्ध, यानी नेट नाम आते ही आपको समझ आना है कि आपको मूल्य ह्रास, यानी जो डेप्रिसिएशन है, वो माइनस करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो ही एनडीपी अगर नेट वर्ड आया, तो आप मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे। तो मैंने एक देश की जो भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सेवाएं हैं, उसमें से मूल्य ह्रास को मैंने माइनस कर दिया, तो वो आ गया एनडीपी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए, मूल्य ह्रास को माइनस इसलिए किया जाता है क्योंकि मशीनरी में जो घिसावट आई है, तो उसका पूरा करने के लिए भी व्यक्ति की जेब से पैसा लगेगा, तो जो हमारा कितना माइनस हो गया है। जैसे व्यक्ति कोई नई जीप खरीद के लाया, उस जीप से मान लीजिए वो सवारियां ढोता है, और एक साल में जैसे उसने 1,00,000 रुपये कमाए,
तो 1 लाख रुपए तो उसने सवारियों से कमाई। अब उस जीप जो है वो भी पुरानी होगी, उसकी मशीनरी घिस चुकी है, तो उस पर भी उसका खर्चा होगा। इसलिए उसको जो टोटल इनकम है और उसमें से मान लीजिए उसका 10,000 रुपये उस जीप पर खर्चा हो गया, तो उसको तो माइनस हमें करना ही पड़ेगा। तब हम कहेंगे कि उसकी शुद्ध क्या लागत आई है, शुद्ध जो आमदनी है वो क्या हुई है। तो इसीलिए जीडीपी में से मशीनरी यानी जो मूल्य ह्रास है इसको माइनस किया जाता है, उसको कहा जाता है एनडीपी। ये 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए हमारे, पहला जीडीपी और दूसरा है हमारा एनडीपी। अब देखिए उसके बाद हम आते हैं जीएनपी पे। हम धीरे धीरे राष्ट्रीय आय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। पहले हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा, फिर उसके पश्चात हमने एनडीपी के बारे में पढ़ा, और अब तीसरा हमारा पॉइंट है जीएनपी। देखिए जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ये नेशनल वर्ड जहाँ आ जाएगा वहाँ आते ही आपको समझना है राष्ट्रीयता यानी नागरिकता। बहुत मेन चीज़ है ये, नेशनल से आप समझ आइएगा कि यहाँ पर नागरिकता की बात हो रही है। नागरिकता से मतलब ये हो गया कि भारत के अंदर जिसने भारत की नागरिकता ले रखी है, और इसके अलावा भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में चाहे वो यूरोप महाद्वीप हो, अमेरिका हो, इस तरह नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई सा भी महाद्वीप हो, वहाँ जो भी भारतीय रह के कोई भी भारतीय रह रहा है, और अगर उसने भारत की नागरिकता है ग्रहण की, उसके पास भारत की नागरिकता है, तो वो भी व्यक्ति इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, इसका जीएनपी निकालने का फार्मूला होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जीडीपी यानी वही बाउंड्री वाला जो आपको बताया था मैंने, उसके पश्चात एक्स माइनस एम। देखिए जीडीपी के प्लस में अगर हम एक्स माइनस एक्स ही आए विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आए, जैसे मान लीजिए कोई भारतीय है और वो अगर ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया में बैठ के अगर कमाई कर रहा है तो वो भारत का नागरिक है, तो भारत का नागरिक होने के नाते जो कमाई है वो भारत के अंदर इंक्लूड उसकी होगी, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। और जैसे मान लीजिए कोई विदेशी है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे एग्जांपल लीजिए कोका कोला, ये कोका कोला कंपनी अमेरिका की है लेकिन ये भारत में रह करके कमाई कर रही है, तो भारत में कमाई तो कर रही है लेकिन ये पैसा भारत में अगर ये कमा रही है तो ये जाएगा कहाँ, ये जाएगा अमेरिका। जब ये पैसा अमेरिका में जाएगा तो हमें इस पैसे को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा हमारे पास नहीं रुक रहा है, और जो भारतीय बाहर कहीं कमा रहा है वर्ल्ड में कहीं भी, वो उसका पैसा भारत में आ रहा है तो हम उसको भारत में लाएंगे। तो यही फार्मूला है कि जीएनपी का फार्मूला है कि जीडीपी के अंदर जो विदेशों में भारतीय द्वारा अर्जित आय है उसमें से जो यहाँ भारत के अंदर विदेशों ने आय अर्जित की है उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा जीएनपी आ जाएगा। अब देखिए इसके पश्चात वही, अब उसके पश्चात आता है कि एनएनपी क्या होता है। तो एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये। नेट का मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जहाँ भी नेट आता है वहाँ आपको मूल्य ह्रास करना है, ये मशीनरी वाला मैं समझा चुका हूँ आपको। तो इस जीएनपी में से आप मूल्य ह्रास कर देंगे तो उसमें जो आएगा वो है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और ये जो नेशनल जो प्रोडक्ट है एनएनपी, यही एक प्रकार से राष्ट्रीय आय मानी जाती है। इसके बारे में अभी डिटेल में और आगे हम बात करते हैं, और अभी और देखते हैं इसे। तो इस वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो पढ़े, और जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इसके अलावा जो आगे अभी और है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ेंगे। और आप इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको हर अपडेट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।